हमारे पास एक नया टारगेट है। किसी ने हमारे और नेशनल मिलिट्री के टॉप लेवल के इंक्रिप्शन को हैक किया है। उस लड़की का पता लगा है। स्कीम ओवर। मुझे रोक के देखा, क्योंकि जब मैं विलन बनता हूं ना तो बहुत मजा आता है। आर यू इन और आर यू आउट? पठान और टाइगर 3 मूवी के रिलीज होने के बाद अब चारों तरफ सिर्फ स्पाई यूनिवर्स की ही बातें चल रही है। अब हमें आगे भी स्पाई यूनिवर्स की कई बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली है, जिनमें से कुछ की अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली हो चुकी है और कुछ की अनाउंसमेंट अभी नहीं हो पाई है। इन्हीं में से एक फिल्म है टाइगर वर्सेस पठान। इस फिल्म की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन फिल्म को लेकर रूमर्स आने शुरू हो चुके हैं। खबर यह है कि आने वाले समय में स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स एक काफी बड़ी फिल्म को तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमें टाइगर और पठान दोनों आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक तो ये दोनों एक साथ मिशन में एक दूसरे की मदद करते हुए दिखे थे, लेकिन अब आने वाले समय में ये दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। और जब ये सीन सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगा तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स फिल्म में क्या लेकर आएंगे और फिल्म की स्टोरी क्या होगी। लेकिन जिस तरह से रूमर्स आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि फिल्म की स्टोरी में पठान की वजह से जोया यानी कि कैटरीना कैफ मारी जाएगी, और इसी बात का बदला लेने के लिए टाइगर पठान को मारने के लिए उसके पीछे जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अभी रूमर्स है, आने वाले समय में हमें फिल्म को लेकर और भी कई सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तभी पता चलेगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी और क्या फिल्म में हमें और भी कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में हमें शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और संजय दत्त एज अ विलन देख सकते हैं। खैर अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी और फिल्म की स्टोरी में कितना दम रहेगा। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, लेकिन फिल्म काफी बड़ी होगी इसलिए हो सकता है कि इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद या मनीष शर्मा में से कोई बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट करे। बात करें फिल्म के रिलीज होने की, तो अभी तक इस फिल्म के रिलीज होने में काफी समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी तो स्पाई यूनिवर्स की हमें वॉर 2 देखने को मिलेगी, जिसको 2025 के स्टार्टिंग में रिलीज किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मेकर्स पठान 2 मूवी के ऊपर काम शुरू करेंगे और पठान 2 फिल्म हमें 2026 में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि मेकर्स टाइगर वर्सेस पठान इसके ऊपर काम शुरू करें और इसके बाद ये फिल्म हमें 2027 तक देखने को मिलेगी। उससे पहले तो ये फिल्म हमें मिलने से रही, लेकिन सुनने को मिलता है कि मेकर्स ने फिल्म की स्टोरी का लगभग तैयार कर ही लिया है और सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्टोरी काफी पसंद भी आ गई है। अब मेकर्स फिल्म की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी, लेकिन मेकर्स जल्द ही इस फिल्म को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें इस फिल्म को लेकर काफी सारी बड़ी अपडेट सुनने को मिल जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।